न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन खेलेगा, किसकी छुट्टी होगी। सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी स्क्वाड फाइनल कर लिया, मगर इस स्क्वाड से पाकिस्तान के सीनियर तरीन ऑलराउंडर की छुट्टी होने जा रही है। और ये छुट्टी होगी क्यों, इस पर कई सवाल उठेंगे। साथ में सिलेक्शन कमेटी के लिए स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर्स का मामला भी दर्दे सर बना हुआ है। मिडिल ऑर्डर में किसके नाम का कुरा निकलेगा और पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कब होगा। स्क्वाड के ऐलान पर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने क्या कहा, क्या इस बार स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां होने जा रही हैं या वही पुराने चेहरे आजमाए जाएंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज कब शुरू होगी, टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कई मीटिंग्स के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड फाइनल कर लिया और इस स्क्वाड का ऐलान 1 से 2 रोज में किया जाएगा। आज वहाब रियाज ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्क्वाड तकरीबन फाइनल है, बस 1 से 2 रोज में ऐलान कर देंगे। जब हमने पूछा कि स्क्वाड में कौन कौन शामिल है तो वहाब ने जवाब देने से गुरेज किया, मगर हमारे जराये ने कंफर्म किया कि स्क्वाड से शादाब खान की छुट्टी कर दी गई है और उसकी रीजन ये है कि शादाब खान को ग्रोइन इंजरी हुई है। आपको पता है कि नेशनल T20 में शादाब खान हिस्सा ले रहे थे, 3 मैचेस के बाद शादाब खान को इंजरी हुई जिसके बाद उन्हें कंधों पर उठाकर स्टेडियम से बाहर ले जाया गया। अब शादाब खान तो कहते हैं कि मैं तो मुकम्मल फिट हूँ, मेरी इंजरी उस तरह से नहीं है कि मैं सीरीज से बाहर हो जाऊं, मगर हमारे जराये ने कंफर्म किया है कि अब शादाब खान न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। अलबत्ता एक और भी इम्कान है कि शायद शादाब खान को न्यूजीलैंड स्क्वाड के साथ भेजा जाए ताकि न्यूजीलैंड की कंडीशन से शादाब खान हम आहंग हो सके, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और वर्ल्ड कप अमरीका और वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है। तो अब देखना यह है कि शादाब खान को क्या पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ भेजा जाता है या उन्हें मुकम्मल रेस्ट दिया जाएगा। दूसरी जानिब नसीम शाह भी इस सीरीज में हिस्सा नहीं होंगे, उनके साथ साथ फास्ट बॉलर एहसानुल्ला और मोहम्मद हसनैन भी इंजरी की वजह से बाहर रहेंगे, जबकि साबिक कप्तान शुएब मलिक वो भी बदस्तूर पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकेंगे बल्कि पाकिस्तान में ही बैठकर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैचेस देखेंगे। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के लिए एक और भी बड़ा मसला बना हुआ है, बल्कि यूं कहें कि दर्द सर बना हुआ है, और वो है मिडल ऑर्डर का। हमारे जराये कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी को मिडल ऑर्डर में अभी तक कोई ऐसा बैट्समैन नहीं मिल सका कि उन्हें खिलाया जाए। एक तो साइम अयूब हैं, जबकि मोहम्मद हारिस और आजम खान भी हैं, ये तमाम बैटर्स टॉप ऑर्डर के हैं, मगर मिडल ऑर्डर में अभी तक सिलेक्शन कमेटी को कोई भी प्लेयर नहीं मिल सका। अब देखना यह है कि इफ्तिखार अहमद के साथ मिडल ऑर्डर में किसकी बारी आती है। दूसरी जानिब इमाद वसीम भी रिटायरमेंट की वजह से वापस टीम में नहीं आ सकते। अब वहाब रियाज कहते हैं कि स्क्वाड तो उन्होंने फाइनल कर लिया, लेकिन इस स्क्वाड में मिडल ऑर्डर में कौन होगा इसके नाम का अभी तक फैसला नहीं हो सका। ओपनिंग में साइम अयूब को आजमाए जाने का इम्कान है, उनके साथ शाहीन शाफरीदी तो है ही, जबकि साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये काफी अफवाहें उड़ रही थी कि शायद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से आराम दिया जाए, मगर अब हमारे जराये ने कंफर्म किया है कि बाबर आजम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे और उनके साथ मोहम्मद रिजवान भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। फखर जमान भी T20 स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, जबकि बॉलिंग लाइनअप अभी तक फाइनल नहीं हो सकी है। जमान खान, हारिस रऊफ, शाहीन शाफरीदी, इन 3 के नाम का अभी तक कंफर्म हुआ है कि ये तीनों प्लेयर्स तो खेल सकते हैं। अब कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी भी हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने फैसला किया है कि एक मुख्तसर सा कैंप लगाया जाएगा और ये कैंप 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक लाहौर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लग सकता है। जबकि स्क्वाड में शामिल जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी इस वक्त दौरे ऑस्ट्रेलिया पर मौजूद हैं, वो वहां से डायरेक्ट जाएंगे न्यूजीलैंड, जबकि यहां पर मुमकिन खिलाड़ियों का जो ऐलान होगा उसमें जो स्क्वाड में फाइनल किए जाएंगे उन खिलाड़ियों को फिर दौरे न्यूजीलैंड के लिए अगले महीने के शुरुआत में भेजा जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, T20 टीम के कप्तान शाहीन शाफरीदी की सिलेक्शन कमेटी के साथ एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। फ्राइडे को भी ये मीटिंग हुई थी, फिर सैटरडे को एक बार फिर मीटिंग हुई, जबकि संडे को छुट्टी की वजह से सिलेक्शन कमेटी के दरमियान ये मीटिंग ना हो सकी। अलबत्ता मंडे वाले दिन भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू शनीद हुई मीटिंग पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। अब देखना यह है कि वहाब रियाज स्क्वाड कब ऐलान करते हैं। वहाब रियाज का कहना था कि वो आज भी टीम का ऐलान कर सकते हैं, जबकि वो
कल भी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर सकते हैं और इस ऐलान में कई सरप्राइजेस भी होंगे। अब देखना यह है कि वहाब रियाज कौन से सरप्राइज दे सकते हैं, जबकि हमारे जराए कंफर्म करते हैं कि इस बार T20 स्क्वाड में काफी ज्यादा तब्दीलियां होने जा रही हैं। दूसरी जानब एहसानुल्लाह भी कहते हैं कि वो भी फिट हो चुके हैं और उन्होंने अपनी बॉलिंग का आगाज शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी जानब अगर हम साबिक कप्तान शुएब मलिक की बात करें तो शुएब मलिक भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार हैं, उनकी फिटनेस भी अच्छी है और वो नेशनल T20 कप में भी हिस्सा ले चुके हैं। मगर लगता ऐसी है कि शुएब मलिक पाकिस्तानी टीम के लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा नहीं है और वो अमरीका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं हो सकते। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के कौन से वो खुशनसीब खिलाड़ी होंगे जो कि वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे और उससे पहले दौरा न्यूजीलैंड के लिए मुंतखब होंगे।